पाकिस्तान में इस वक्त सुमन गिल टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, न्यू आईसीसी ओडीआई नंबर वन बैटर का। आज पूरी दुनिया ने एंजॉय किया होगा गिल की बैटिंग पे। अगर ऐसे ही वर्ल्ड कप में चलता गया तो पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं। सुमन गिल द न्यू किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, सुमन गिल श्रेयस अय्यर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बहन निकाल दी है आज। अनबिलीवेबल, ये खिलाड़ी है लाजवाब, ये खिलाड़ी है, ये किसी की पकड़ में ना आने वाला खिलाड़ी है। शुभमन गिल ने एक और शो इंडिया के लिए बना दिया। ये सोचे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बच रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम धुल नहीं रही है, हम धुल चुके हैं, हमें पता है पाकिस्तानी टीम को क्या हाल किया इन सालों ने मिलके। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। 400 टारगेट है, ऐसा दोया कि अगर ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग कराई जाए ना, एक बार ले लें दोबारा कराई जाए, मैं नहीं मानता फिर भी ये स्कोर बड़ा सौ पाए। आज पूरी दुनिया ने एंजॉय किया होगा गिल की बैटिंग पे, श्रेयस अय्यर की बैटिंग पे, आज बहुत मजा आया। अगर ऐसे ही वर्ल्ड कप में चलता गया तो पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं। इतनी बड़ी बॉलिंग के सामने ना विराट कोहली है, ना ही रोहित शर्मा, ना ही हार्दिक पांड्या है, फिर भी इतना बड़ा स्कोर दे दिया। बस जहरी बात है, जूनियर इतना खेल सकते हैं तो सीनियर अभी तो पिच भी नहीं है। अगर वो पिच पे होते तो मैं मानता कि 550 प्लस होता। अगर वो पिच पे आ जाते तो मैं कहता हूँ 550 से भी ऊपर होता स्कोर। इतनी खुशी मुझे आज तक मजा आया। तो माय गॉड, ये मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेडियम में क्या आग लगी हुई है, क्या तूफान मचा हुआ है। एक तूफान जाता है, दूसरा तूफान आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। गिल जो कम था, गिल जो टफ चैलेंज दे रहा था बाबर आजम को, फिर साथ श्रेयस आए, फिर साथ केएल राहुल, फिर सूर्या कुमार, सूर्या यादव ने क्या सूर्या नमस्कार की आग लगा के रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर सेंचुरियां मार रहे हैं इस किस्म का तूफान, और सबसे बढ़ के पूरे पाकिस्तान की जिसपे नजरें थी सुमन गिल के लिए, जो दुआएं कर रहे थे यार इसकी थोड़ा सा ठंडा काम रखे। सुमन गिल ने बोला भाई मैं गिल हूं, मेरा काम है किल करना, तो सुमन गिल ने तो पहले मैच से भी ज्यादा आग लगा के रख दी। और पाकिस्तान में इस वक्त सुमन गिल टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान में बाबर आजम के फैन, पाकिस्तानी फैंस, द न्यू आईसीसी ओडीआई नंबर वन बैटर का बाबर भाई इस्तकबाल किया जाए। और व्हाट अ मूवमेंट, और किस तरह से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इतनी डोमिनेटिंग बारी खेली सुमन गिल ने, और फिर साथ टीम इंडिया ने क्या टोटल लगाया है बाबर भाई, दिल खुश करके रख दिया। क्या बात, ये बात है। सही बात है। सुमन गिल द न्यू किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, सुमन गिल श्रेयस अय्यर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बहन निकाल दी है आज। ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं, सुमन गिल ने फिर सौ मार दिया है, अय्यर ने भी सौ मार दिया है। सुमन गिल ने मेरे घंटे बाबर आजम से ऑफिशियली नंबर वन रैंकिंग ले लिया है, और मेरा घंटा नीचे चला गया है, और मेरा घंटा नीचे चला गया, मेरा घंटा नीचे चला गया। जो बैटिंग की है सुमन गिल ने आज, जो बैटिंग की है अय्यर ने आज, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, लिख के दे रहा हूं। ये इंडियन बी टीम जिसमें मेन प्लेयर खेल ही नहीं रहे, उसके बावजूद आके वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऐसे चढ़े हुए हैं जिस तरह इंडिया अपनी मेन टीम के साथ चढ़ता है। नो कोहली, नो रोहित, नो कुलदीप, नो हार्दिक पांड्या, नो जो है वो मोहम्मद सिराज, उसके बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बहन निकाली हुई है। Oh my God! शेरियार खेले 105 है उनका, शुभमन का 104 है, और साथ में केएल राहुल की बात कर ली है, स्काई की बात कर ले, उन्होंने भी 51 या 50 करके ही वो गए हैं यहाँ से। मतलब इनकी पार्टनरशिप हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और जिस तरह से ओडीआई की सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की, मैं कहती हूँ कि इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है कि इस बार जैसे एशिया कप उनके घर गया है ना, वो वर्ल्ड कप को भी अपने घर लेकर ही जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं दीदी,